अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरबिना बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे अरबिनास कलरफुल थ्रेड वाले सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो लोग मुझे देख रहे हैं तो। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इस चैनल पर भी आपको क्रोशियो की ईजी लेस डिज़ाइन जो मुझे लगती है जल्दी से बन जाती है, या सिंपल सी कोई टिप्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी होगी तो वो मैं मेरे इस चैनल पर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये कॉटन का ब्लू कलर का धागा लिया है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर का दुपट्टा लिया है जिस पर मुझे ये सिल्वर कलर की सिक्वेंस लगानी है। तो अगर आपको चाहिए तो आप सिल्वर कलर का यार्न भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेम कलर ले रही हूँ क्योंकि ये लगाने के बाद ये धागा कौन से कलर का है वो दिखता नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि आप लोगों को ये इस तरह की सीक्वेंस लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगी, और मुझे मेरी ये फूई ने गिफ्ट किया है तो उन्होंने भी लोकल मार्केट से ही लिया था। ओके, तो इसे धागे में कैसे डालते हैं वो भी मैं बता दूँ आप लोगों को। एक सिंपल सी आपने छोटी सी सुई धागा लेना है और बारीक सुई में आपने डबल धागा करते हुए यहाँ पर डबल नट दे देनी है, लेकिन नट आपकी बहुत ही बारीक होनी चाहिए इस तरीके से। ओके, अब इस धागे में से आपने ये अंदर ले लेना है। मैंने बहुत बार बताया है मेरे मेन चैनल पर, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे कुछ न्यू लोग देख रहे हैं जिन लोगों को नहीं आता है धागे में मोती या टिकली कैसे डालते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली। ओके, तो इस तरीके से धागे को डबल करने के बाद अब आप इसमें एक एक करते हुए ये ब्यूटीफुल से सिल्वर कलर के सिक्वेंस आप इसमें डाल दो। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ इसको डालने का तरीका, कितने आसानी से ये धागे के अंदर आ गए। ओके, तो ऐसे ही आपको जितने सीक्वेंस डालने हैं ना, ये सारे हम इसमें डाल देंगे। और अब मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ, फिर हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सो इस तरीके से हमने धागे में ये सीक्वेंस डाल दिए हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर ये दुपट्टा मैंने उल्टी तरफ से पकड़ा हुआ है। आप जब भी आप स्कार्फ पर, दुपट्टे पर, ड्रेस के दामन पर बनाओगे तो आपने लेफ़्ट साइड से पकड़ लेना है। सबसे पहले आपने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद आपने कॉर्नर से स्टार्ट करना है। आप इस तरीके से नीडल डाल दोगे, बैक साइड से धागा बाहर लेकर आओगे और यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोचेट। सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद एक सीक्वेंस आपने यहाँ पर एक टिकली पास करनी है। ये ऐसे नीडल के नीचे हमारी ये टिकली आएगी और अब ये धागा हम इस धागे में से बाहर ले लेंगे बिल्कुल इत्मीनान से। एंड देन बराबर इसके बाजू से आपने बहुत दूर नहीं और बहुत नज़दीक भी नहीं, इस तरीके से आपने फिर से सिंगल क्रोचेट लेकर यहाँ पर लॉक कर लेना है और ये हमारी टिकली इस तरीके से यहाँ पर लग गई। ओके, सो अब एक फिर से एक टिकली ले लेंगे हम सीक्वेंस को, ऐसे आपने पार करना है एंड देन यहाँ पर होल्ड करना है इस फिंगर से। अब ये धागा इसमें से हम बाहर ले लेंगे और थोड़ी दूरी पर हम सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक पास करेंगे और ऐसे ही हम इसे लगाते जाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और कमेंट करना ना भूले, ताकि जब गिव अवे अनाउंस हो तो जो न्यू लोग ऐड होते हैं तो उनकी जगह पर मैं मेरे अपने जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को मैं विनर सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये इस तरीके से बस आपने कंटिन्यू ऐसे ही इसे लगाते जाना है। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की है, ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मुझे अपलोड करनी होगी क्रोशियो से रिलेटेड तो मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। और मैक्रेम और एम्ब्रॉयडरी के प्रोजेक्ट्स तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार विज़िट ज़रूर कर लें। अब मैं आपको इसकी थोड़ी और लेंथ बनाकर इसका फाइनल लुक बताती हूँ कितना प्यारा लग रहा है।
बस अपने हाथ लूज रखना है, बहुत ज़्यादा खींचते हुए टाइट टाइटली नहीं बनाना है, वरना खिंचाव आ जाएगा कपड़े में और फिर उसका लुक अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, थोड़ा सा सिंगल क्रोचेट आपने कंफर्टेबल करना है यहाँ पर, ताकि इजीली आपका धागा बाहर निकल सके। और फ्रंट से ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सो ऐसे ही मैं इसे पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ। सो गाइज, ये देखें, ये है इसका फाइनल लुक। ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू बनाते जाना है, और अगर आपको एंड करना होगा ना, तो लास्ट में आपने सिर्फ टू चैन लेनी है। जैसे अभी मुझे यहाँ पर एंड करना है, तो मैं टू चैन लेकर धागा कट कर दूंगी, एंड देन लास्ट वाली चैन को आपने टाइट करना है, और ये बैक साइड से धागे में से अंदर से लूप बाहर निकाल लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप मेरी मेन चैनल पर अल्बिनास कलरफुल थ्रेड पर विजिट करके चेक कर सकते हैं कि लेस डिज़ाइन को एंड कैसे करते हैं। ओके, सो एंड तक आप ऐसे ही पूरा बनाते जाओ, वन साइड फोर साइड आपको जितना बनाना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर भी करोगे। इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।